पुलिस को यकीन था कि जिस फोन से सुजाता को कॉल्स आते थे वो फोन दोबारा जरूर एक्टिव होगा, और वही हुआ। दो दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि वो फोन स्विच्ड ऑन हुआ है। 4445678 76 ये नंबर जिस सेल फोन पर एक्टिवेट है वो सेल फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ है। उस फोन पे अब कौन सा नंबर यूज हो रहा है? 4449878 75 इस नंबर की डिटेल्स मैं आपको अभी मेल करता हूँ। सर फोन इस वक्त कोई अभिनय त्रिपाठी इस्तेमाल कर रहा है। एड्रेस है 17/6 सुमेर नगर फतेहपुर। उठा लाओ इसे, देखते हैं इस अभिनय ने इस मर्डर में कैसा अभिनय किया। अभिनय त्रिपाठी? हाँ जी, अभिनय त्रिपाठी हम ही हैं। चलिए हमारे साथ, लखनऊ से खास आपको लेने आए हैं। आप लोग कौन हैं? पब्लिक सर्वेंट, पुलिस कहते हैं लोग हमें। मेरी बातों सुनिए साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? अरे मैंने किया क्या नहीं कि मैंने? बैठो बैठो बैठो। अभिनय त्रिपाठी जी, रिलैक्स्ड। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा अभिनय त्रिपाठी जी, और मेरे सामने अभिनय तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सच बोलिए, क्यों मारा सुजाता गुप्ता को? साहब हम मजदूर आदमी है साहब, हम क्या मारेंगे किसी को और क्यों मारेंगे? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ अभिनय त्रिपाठी जी, कि क्यों मारा सुजाता गुप्ता को? हमने किसी को नहीं मारा साहब। ठीक है, अब अगर तू पहले अपनी चीख पुकार हमें सुनाना चाहता है और उसके बाद सच, तो अब जैसी तेरी मर्जी। प्रमोद, मुश्ताक को बुलाओ। वो बोल रहा है कि 2 हफ्तों से उसने किसी की हड्डियां नहीं तोड़ी है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। इसकी हड्डियां तोड़ेगा तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बुलाओ। पिछले 1 महीने से तेरे नंबर से सुजाता के मोबाइल पर कॉल किए जा रहे थे, और सुजाता के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल किया गया वो भी तेरे मोबाइल से किया गया, पर नंबर अलग था। ये है अभिनय त्रिपाठी जी, बहुत भरोसा है अपनी हड्डियों पर, कह रहे हैं कि मुश्ताक मेरा कुछ नहीं कर सकता। देख जरा, हम बताते साहब आपको पैसे दिए गए थे साहब इस काम के लिए। किसने पैसे दिए थे? किसने मारने के लिए बोला? कैसे मारा? मरने से पहले सुजाता के मुंह से कोई आवाज क्यों नहीं निकली? राजेश के कहने पे किया साहब, राजेश सिंह के कहने पे किया, लालच में आ गए थे साहब, पैसों के लालच में। क्या देख रहे हो भाई? पूरा पूरी 10,000 रुपये करना का होगा? करना का है, मारना है किसी और का? बउरा गए हो क्या एकदम साले? साले बुद्धि चुनौती में लेके घूमते हो क्या? सर पागलों को लगा तुम, छोटी मोटी चोरी तो समझ में आती है साले, खून हमसे नहीं होगा साले, पागल होगा। देखो ये कब तक तुम ये छुटका मुटका काम करते रहोगे? अबे बड़ा सोचो, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में साले बड़े घर जाएंगे सीधा, अब बाकी की जिंदगी वही कटेगी हमारी। अबे हमको नहीं लेना तुम्हारा पैसा, तुम अपना पैसा रखो, लिट्टी चोखा का पैसा हम दे देंगे, ठीक है? बैठो चुपचाप इधर। अबे समझो यार, पकड़े जाओगे तब जेल जाओगे ना, प्लान सुनोगे ना तो एकदम मक्खन है मक्खन। अबे चूहा मारने से भी कम मेहनत है इनमें, अब फाइनल बताओ करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा सोचो मत बेटा, लक्ष्मी बहुत कम लोग के पास आती है, ज्यादा सोचोगे ना झट से भाग जाएगी, पकड़ लो। हाँ ये बात। अब बेटा कल ना हम तुमको शिकार का घर दिखाएंगे। हुआ सुजाता गुप्ता का घर, चलो चलो। राजेश कौन है, कहाँ रहता है? राजेश भी सुमेर नगर में ही रहता है साहब। तू राजेश के लिए काम कर रहा था, और राजेश वो किसके इशारे पर काम कर रहा था? सुजाता को मारने की वजह क्या थी? हमको नहीं पता साहब, हमको
पैसे मिले थे इस काम के लिए, आपने बस उतना ही किया जितना हमको कहा गया था। सारा जाल पहले से बिछाया जा चुका था। कैसा जाल? माया जाल, छल कपट से भरा एक शातिर षड्यंत्र। एक दाव खेला गया और संजोग से वो दाव सफल रहा। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि सोचा गया था। यहां तक कि सुजाता इस कदर इस माया जाल में उलझ गई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुजाता को ख्याल ही नहीं रहा कि वो खुद अपनी मौत का सामान खरीद रही थी। तू सुजाता के लिए एकदम अजनबी था, लेकिन अचानक वो तेरे से रोज बातें करने लगी। ऐसा क्या कहा था तुमने? क्या मंत्र पढ़ा था कि वो तेरी बातों में आ गई? माया, 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 क्या ये? सुजाता गुप्ता को बस में करने का मंत्र है ही माया, और ये मंत्र तुमको सुजाता गुप्ता पर फूंकना है। बेटा, धीमा आंच पर रोटी सेके के पड़ी, तब जाकर ये मंत्र धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगा। राजेश ने कहा था दोपहर का वक्त सही रहेगा, उस वक्त सुजाता के अलावा घर में कोई नहीं होता है। बच्चे स्कूल में होता है और साथ सत्संग में। तो रोज सुजाता के घर जाता था? हाँ सर, तकरीबन रोज। और वो तो जाने देती थी? हाँ सर। क्यों? चाहिए आपको? बहुत दूर से आए, बहुत ज्यादा भूख लगी है हमें, थोड़ा भोजन मिलेगा? एक साधु को भिक्षा दोगी तो पुण्य मिलेगा। एक मिनट, हम आते हैं। माफ कीजिए बाबा, बस इतना ही बचा है। कोई बात नहीं, एक साधु सदैव भोजन से ज्यादा भावना का भूखा होता है। कल्याण हो आपका, सुख शांति सदैव आप पर बनी रहे, संकट आपसे कोसों दूर रहे। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो। आपकी भक्ति भावना देखकर हम प्रसन्न हुए, पर लगता है आप प्रसन्न नहीं हैं। आपकी आंखें बता रही हैं आपकी पीड़ा। मां, माँ अक्षर है ना आपकी समस्या? सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके पास, एक भय सता रहा है आपको। ये सब खो देने का भय, ये सब उस माया का प्रकोप है। बच के रहना उस माया से, सदा सुखी रहो। बाबा, आपको ये सब कैसे पता चला? बचपन से की हुई साधना से सिद्धियां हासिल की हैं हमने। चेहरे को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। आपके घर की सुख शांति पे जो संकट मंडरा रहा है ना, ये सब उस माया के कारण हो रहा है। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पीड़ा हमें समझ आ रही है, और हमें आभास भी हो रहा है कि आपकी पीड़ा और बढ़ने वाली है। बाबा, हमारी मदद करिए। अवश्य करेंगे, साधु का तो धर्म ही है सेवा करना। और आपने इस भिक्षुक को अन्न दान किया है, हम आपके ऋणी हैं। पाना चाहती हैं आप मुक्ति अपने दुखों से? जी बाबा। हम वचन देते हैं आपको, हम दिलाएंगे मुक्ति आपको सारी पीड़ाओं से। बहुत सही नाम रखा गुरु घर वालों ने, अभिनय। क्या गजब की एक्टिंग किए हुए हम, मतलब बचपन में जो नाटक खेले थे ना, काम आ गया। मतलब ये कि शिकार माया जाल में एकदम फंस चुका है। बिल्कुल। शुरुआत अच्छी है, पर एक बार ध्यान से सुनो,
अभी हमें उनका विश्वास धीरे धीरे और बांधना होगा, जब तक कि उनका विश्वास अंधविश्वास में न बदल जाए। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, उनको फ़ोन करने के लिए यही सिम कार्ड इस्तेमाल करना, और इस नंबर से केवल उनको ही फ़ोन करना, हमको भी नहीं। फिर हम उसी सिम कार्ड से सुजाता से बात करना शुरू किए। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था, सब कुछ बेटा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता ना, तो तू यहां इस वक्त हमारे सामने नहीं बैठा होता। तो बाबा जी, और क्या चमत्कार किया आपने, वो भी बता दीजिए। फिर हमारा उसके घर में आना जाना शुरू हो गया, पड़ोसी उसे भी बज बजा के जाते थे, और हम अक्सर तब जाते थे जब घर में कोई नहीं होता था। उसको यकीन होने लगा था कि हम उसकी जिंदगी में कुछ तो चमत्कार करेंगे। ये जगह उत्तम रहेगी विधि के लिए, परंतु आपने किसी को बताया तो नहीं ना इस विधि के बारे में और हमारे बारे में? नहीं बाबा, हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। किसी से कुछ बताना भी नहीं, इस विधि का गुप्त रहना अति आवश्यक है। आज हम गृह शांति के लिए पूजा करेंगे और कल से विधि आरंभ करेंगे। आपकी समस्या बड़ी कठिन है, उपाय है हमारे पास, परंतु आपको निसंदेह हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। बाबा आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इस विधि की सारी सामग्रियां हम स्वयं लाएंगे, परंतु कुछ सामग्रियां आपको लानी होगी, ये इस विधि का नियम है। जी आप बस बता दीजिए कि हमें क्या क्या लाना होगा। तीन तरह के फल, एक सुपारी और एक कुमकुम की डिब्बी और एक नायलॉन की रस्सी। जी बाबा हम ले आएंगे। शारीरिक पीड़ा होगी आपको, परंतु मानसिक पीड़ा से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी, और उस माया के मायाजाल से हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। माया नाम की सच में कोई औरत है जिसे सुजाता जानती थी? पता नहीं साहब, पर हमको भी ऐसा ही लगता है कि कोई औरत तो होगी, पर हमको राजेश ने कभी बताया नहीं कि ये माया है कौन। अंकुर को बुलाओ, वो जरूर जानता होगा इस माया के बारे में। चल हाँ, तू चालू रहे। फिर क्या किया? फिर मतलब वही विधि शुरू किया रसोई में। शत्रुनाशम सर्वनाशम, या देवी शक्ति देहि शत्रुनाशम शत्रु। फिर से झगड़ा किया था आपके पति ने आपके साथ? क्या हुआ? भोजन को लेके गुस्सा था, वो कच्ची रह गई थी सब्जी। जी बाबा। उसकी नापसंद सब्जी बनी थी कल, लौकी की सब्जी। तुम जानते हो ना कि हमें लौकी पसंद नहीं है। फिर क्यों दी? हमारे ध्यान से हट गया। उसको पकाना भी तो ध्यान से हट गया था, कच्ची थी बिल्कुल। इससे अच्छा काटती भी ना उसे, ऐसी पूरी की पूरी लौकी रख देती। बस करो बस, हम तुम्हारे खाने के मोहताज नहीं है। कल से डिब्बा देने की जरूरत नहीं है, बाहर खाएंगे। ये बेमतलब के झगड़े, ये छोटी छोटी तकरारें, ये सब यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब उस माया के कारण हो रहा है। आपके पति को वश में कर लिया है माया ने, उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है, और ये सब उसी वजह से हो रहा है। मत भूलना कि छोटी से छोटी दरार भी मजबूत से मजबूत दीवारों को गिरा देती है, और बिल्कुल यही हो रहा है आपके रिश्ते के साथ। बाबा कोई तो उपाय बताइए उसे रोकने का, हमारे पति के जीवन से उस माया को निकालने का। आपका पति माया जाल में उलझ चुका है, वो आदमी बुरा नहीं है, हम लाएंगे वापस उसे आपके जीवन में। माया? कौन माया?
मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रात तुम्हारे बिना कितनी लंबी लगती है। माया कौन है? माया? कौन माया? वो माया जिसके मैसेजेस आपको देर रात आते, जिसे आपके बगैर नींद नहीं आती, जो आपसे ये पूछती कि अपनी पत्नी को कब छोड़ रहे हो, थक गए हो तो सुजाता को तलाक क्यों नहीं दे देते? 6 महीने से मैसेजेस आ रहे हैं ना, अब याद आया कौन माया? तुमने हमारे मैसेजेस पढ़े? हाँ पढ़े, सारे मैसेजेस पढ़े हमने। अब भी कह दीजिए कि आप नहीं जानते कि कौन है माया। कहा ना कोई नहीं है माया, तुम इन मैसेजेस को सीरियसली मत लो। सीरियसली नहीं ले, इन मैसेजेस में हमारे तलाक की बात हो रही है और आप कह रहे कि हम इन्हें सीरियसली नहीं ले। कहा ना सीरियसली मत लो, दोस्त है हमारी माया, वो मजाक करने की आदत है उसकी। अच्छा तो आप भी मजाक करते हैं उसके साथ? कहा ना तुम्हें, बचपना है उसका। हाँ बचपना है। वैसे आप क्या करते हैं उस बच्ची के साथ? मतलब उसे गोद में बिठाकर खाना खिलाते हैं, बिस्तर पर लिटाकर लोरी सुनाते हैं, क्या क्या बचपने करते हैं आप? बस बस करो तुम, तुम्हें तो आदत है झगड़ा करने की। बस हमें कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, जो सोचना है सोचो। हमने कबूला नहीं सुजाता के सामने। कब से जानते हैं आप माया को? 1 साल से, दोस्त की शादी में मुलाकात हुई थी। एक्सक्यूज मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? नो थैंक्स, हम मैनेज कर लेंगे। हमने आपकी मदद भी नहीं की और आपने थैंक यू कह दिया। वैसे तो आपका थैंक यू उधार रह जाएगा, तो हमें मदद करनी होगी। आप एक काम कीजिए, आप पर्स लीजिए, चलिए। हम लड़के वाले हैं, दूल्हा स्कूल फ्रेंड है हमारा। ओ तो आप विजय के दोस्त हैं? जी। हम उसकी कजिन हैं। कमाल है, इतने सालों में आज तक मुलाकात नहीं हुई। ये तो विजय की गलती है, अगर वो पहले शादी कर लेता तो हम पहले मिल लेते। वैसे आप करती क्या हैं? हम एक प्राइवेट फर्म में मार्केटिंग मैनेजर हैं। अरे वाह। और आप? मार्बल की दुकानें हैं 3 यहीं लखनऊ में। शादी में हुई दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि आपकी खुद की शादी खतरे में पड़ गई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी शादी कभी भी खतरे में नहीं थी। लेकिन आपकी पत्नी को तो ऐसे ही लगता था, उन्हें शक था कि आप माया के लिए उन्हें छोड़ देंगे। पर सर हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, न जाने वो क्यों डर रही थी। वैसे भी सर माया का सुजाता की मौत के साथ क्या लेना देना? लेना देना है अंकुर जी, आपकी पत्नी को मारने के लिए एक माया जाल रचा गया, आपकी पत्नी के डर का फायदा उठाया किसी ने। किसने? एक आदमी आया हाथ में, अभिनय त्रिपाठी, अंतर्यामी बाबा बनके उसने आपकी पत्नी को काफी बहकाया, काफी सोच समझ कर ये जाल बुना गया, जिसके सेंटर पॉइंट में एक नाम सामने आया, माया। आपकी पत्नी चाहती थी कि माया आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाए, और इसीलिए वो इस ढोंगी बाबा की हर बात मानने लगी। ढोंगी बाबा? ये माया जाल, ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप भी एक्टिंग कर रहे हैं? अच्छा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला एक्टिंग सीख ही जाता है। तुझे कैसे पता चला कि अंकुर और सुजाता के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? अंकुर ने बताया? राजेश ने बताया था सब हमको। राजेश को घर की बात किसने बताई? अंकुर ने? क्या उसकी माँ कमला ने? हमको नहीं पता साहब, हमको राजेश ने कभी बताया नहीं। सुजाता के साथ ऐसा क्या किया तुमने? मरने से पहले ना ही वो मदद के लिए चीखी, ना ही उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्या किया? हमने कुछ नहीं किया साहब, मतलब जो कुछ भी किया वो सुजाता ने खुद ने किया। मत भूलना कि कष्ट ही दवा है आपके लिए, जब सहन ना हो पाए तो इशारा कर देना। इस पे खड़ी हो जाओ।
इसे अपने गले में डालो और कस के बांध लो। अब हम इसे हटा रहे हैं, अब तैयार हो ना? बाबा, बाबा मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा आपको, बाबा में भरोसा है ना? है मगर हमें डर लग रहा है, अगर हमारा दम घुट गया तो? जो घुटना आप रोज रोज महसूस करती हो ना, उसके सामने ये बस एक पल की घुटना है। और याद रखना, जितने देर तक आप इस कष्ट को सहोगी ना, ठीक उसका दुगना कष्ट उस माया को सहना पड़ेगा। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आपके पति के परछाई को भी नहीं छू पाएगी। और आप भी तो ये चाहती हो ना? हाँ, लेकिन हमें कुछ कुछ नहीं होगा आपको, हम ये विधि पहले भी कर चुके हैं। देखो, आप अपने दिल से डर नहीं निकालोगी ना, तो आपको माया से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हमने कहा था ना, कुछ नहीं होगा आपको। हम तो डर ही गए थे, हमें लगा कि हम तो मर ही जाएंगे। डरने की बारी अब उस माया की है, परंतु याद रखना, जितना देर आप इस कष्ट को सहेंगे, ठीक उसका दुगना कष्ट उस माया को सहना पड़ेगा। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आज तक माया आप पर वार करती आई है, आज पहली बार आपने पलटवार किया है, कष्ट दिया आपने माया को। करीब एक महीने पहले आपने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया था लौकी की सब्जी को लेकर, सही है? जी हुआ था, पर आपको किसने बताया? हमें किसने बताया वो छोड़िए, क्या आपने ये बात माया को बताई थी? हम हमेशा सोचते हैं कि सुजाता से कुछ नहीं कहेंगे, पर वो ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देती है कि हमें गुस्सा आ जाता है। हम समझ सकते हैं अंकुर, जब अपने ही घर में अपनी पसंद नापसंद का ख्याल ना रखा जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। अंकुर, हमें ऐसा लगता है ना कि सुजाता को आपकी परवाह ही नहीं है। अरे परवाह तो हमें भी नहीं है, लकी की वजह से बस निभा रहे, रिश्ते को निभा के रहे, भुगत रहे। हाँ, हमने बताया तो था, यूं ही बातों बातों में की गई बात अभिनय त्रिपाठी को पता थी। किसने बताया उसे, आपने या आपकी उस माया मेम साहब ने? साहब, ये कोई पूरे 20 दिनों तक ये विधि चलती रही। बेटा लोहा गरम है, अब ज्यादा इंतजार मत करो, मार दो थोड़ा। बेटा हथौड़ा तो हम मार देंगे, पर इस बार हथौड़ा बहुत भारी है, मतलब हमसे अकेले ना उठेगा। देखो, हर बार विधि का सामान जो होता था ना, वो कम होता था, हम अकेले समेट लेते थे, पर इस बार विधि का सामान बहुत ज्यादा होगा, एकदम छीछा लेदर होगा, और एक को सामान छूटा ना तो पुलिस कहां तक खदेड़ेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमको एक आदमी चाहिए होगा। हम नहीं आएंगे। अब हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हमको 6 फीट का आदमी चाहिए जो छत में रस्सी को कस के बांध सके। तुम्हारे पास कौन आदमी है तो बताओ। ध्यान रहे, माया को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाय अंकुर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। वैसे अंकुर आप ठीक तो है ना? और लकी कैसा है? ठीक है वो। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हम कब मिल सकते हैं? जल्दी मिलेंगे माया, फोन करके बताते हैं बात। कहाँ है उसका ऑफिस? किसे ले गया था अपने साथ? अपने चाचा को, नंद किशोर त्रिपाठी।
तू अपने चाचा को साथ में ले गया, लेकिन सुजाता को एक बार भी शक नहीं हुआ? हमने मौका ही नहीं दिया साहब, एक दिन पहले हमने उससे बात कर ली थी। विधि संपन्न हो चुकी है, बहुत जल्द आपको माया से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बाबा, बाबा ये सब और कितने दिन चलेगा? रोज हमें डर लगता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। हमने कहा ना, विधि संपन्न हो चुकी है, बस अब एक महायज्ञ करना होगा ताकि भविष्य में कभी माया आपके आसपास भी ना भटक सके। वो कल ही करना पड़ेगा, कल हम अपने गुरुजी को साथ ले आएंगे। लेकिन बाबा, कल तो रविवार है, लकी घर पर होगा। देखो, कल का दिन जो है ना बहुत शुभ है, कोशिश करो कि ये शुभ काम कल हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि लकी को माँ जी के साथ सत्संग में भेज दे। लेकिन बाबा, हमें माया से छुटकारा तो मिल जाएगा ना, इन सब का असर तो होगा ना? असर होना शुरू हो चुका है, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है? मतलब आपका पति समय पर घर पे आने लगा, उसके बर्ताव में कुछ फर्क पता चल रहा है आपको? हाँ, आप सही कह रहे हैं, आजकल हमारे झगड़े भी कम हो गए और वो हमसे शांति से भी बात करते हैं। क्योंकि माया का साया मिट रहा है। पांच हजार तो बहुत ही कम है। अरे चाचा, हलवा खाने बराबर का काम है, उसके लिए 5,000 बहुत है। वो लोग कितना दे रहे हैं तुमको? 200 की थाली झाकोगे ना तो जिंदगी भर भूखे रह जाओगे। पूरा एक महीना चप्पल घिसे तब जाके मौका हाथ लगा है। आपको आना है तो बताओ, नहीं तुम किसी और को ढूंढ ले। मना थोड़ी कर रहे हैं, पर इस कांड में नाम नहीं आना चाहिए हमारा। किसी का नाम नहीं आएगा, ये बाबा का आशीर्वाद है। हमारे गुरुजी आ चुके हैं, हम आ जाए? हाँ आ जाओ, घर पे कोई नहीं। आप लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं और हमने किया क्या है? माया मैडम, हमारे पुलिस स्टेशन के पीसी में एक वायरस आ गया है, मायाजाल। अब आप एक माया है, सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती हैं, तो हमें लगा कि इस मायाजाल का एंटीवायरस आपके पास जरूर मिल जाएगा। सब हम कुछ नहीं किया साहब, चल अब तो सुनो साहब, तेरा चाचा कहाँ मिलेगा? दस अगस्त को रविवार था और सुजाता का बेटा लकी घर पर था, इसलिए सुजाता ने उसे अपनी सास के साथ बाहर भेज दिया। सुजाता के लिए यह बहुत बड़ा दिन था, उसके हिसाब से यह दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसे लगा था कि माया उसकी पति की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु शत्रुनाशं स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु शत्रुनाशं स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु शत्रुनाशं स्वाहा। आज माया जाल टूट के बिखर जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको। मृत्यु के बाद कोई भी माया परेशान नहीं करेगी आपको।
सारा तामझाम समेटो जल्दी से, एक दिन का भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा खूना खूना चेक कर लेना। चाचा सब समेट लिया? कुछ हाँ सब समेट लिया, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं है, एक सेकंड रुको, हम पहले चेक करते हैं। चाचा जल्दी जल्दी, कोई नहीं। मुझे लगता है आप दोनों इन दोनों को जानते ही होंगे। नहीं सर, हम नहीं जानते इन लोगों को। हमें तो अभी भी पता चला कि सुजाता हमारे पीठ के पीछे क्या क्या कर रही थी। आप कुछ कहना चाहेंगी मिस माया? वैसे तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, आपकी चर्चाओं की गूंज तो चारों तरफ है। सर हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें फालतू में फंसाया जा रहा है, हमें क्या मिलेगा सुजाता को मार के? और अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, हम इन्हें नहीं जानते हैं। चलो ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं। सर ये अभिनय तेरा भाड़े का टट्टू है। तू किसका टट्टू है बोल? देख इन दोनों को ध्यान से देख, इन दोनों में से किसने तुझे काम सौंपा था? सर इन दोनों में से कौनों नहीं है सर, कौनों नहीं है सर, सर हम बताते हैं सर। सर इस काम के लिए हमको बाबा सुलेमान ने बोला था सर। सलाम बाबा। ठिकाना पीछे लिखा है, तरकीब समझ आ गई ना? हाँ, काम एक महीने में हो जाना चाहिए। हो जाएगा। और अगर किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हमें बता देना, उस घर की खबर हमें मिलती रहती है। कौन है सुलेमान और किसके लिए काम करता है? सर वो एक तांत्रिक है, हम पहले भी एक दो बार छोटका मोटका काम उनके लिए किए हैं। सुजाता जी के घर के सारे अंदर की बातें वही हमको बताते थे और हम अभिनय को बताते थे, हम बस इतना ही जानते हैं सर। कोई बात नहीं, इस सुलेमान को तो हम ढूंढ लेंगे। और इस सुलेमान के पीछे कौन है उसे भी ढूंढ लेंगे। सर हमको हमको हम हमको कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं। सुलेमान कहाँ मिलेगा सर? हमको सर 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 सुलेमान कहाँ मिलेगा? हम यहाँ से निकल रहे हैं सर। पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि बाबा सुलेमान इस वक्त काकुरी में। ओके सर, हमारी बहन के कातिल का पता चला। देखिए आपकी बहन को कैसे मारा गया ये हमें पता चल चुका है, लेकिन इस केस का मास्टरमाइंड कौन है ये हमें नहीं पता चला। चल बोल किसने रचा था मायाजाल? आइए आइए, रुक क्यों गई? वेलकम। कैसे सोच लिया आपने
कि यहां तक पहुंचने के बाद हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने नाम के रचे जाल में खुद फंस गई हैं मैडम माया। इस पूरे षड्यंत्र की जड़ थी एक औरत की लालसा, एक शादीशुदा आदमी को पाने की लालसा। माया ने बाबा सुलेमान मिर्जा का इश्तेहार अखबार में पढ़ा था, जिसमें उसने अपनी तिलस्मी शक्तियों का दावा किया था। माया ने अंकुर को अपना बनाने के लिए सुलेमान मिर्जा से मदद मांगी। हम सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खर्चा बहुत होगा। माया को बाबा की तंत्र शक्ति पर विश्वास था। उसे यकीन था कि यह जादू टोना अंकुर को हमेशा के लिए उसका बना देगा। अंकुर खुद अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा 3 महीने हो चुके हैं, आपने यंत्र मंत्र तंत्र जो कुछ भी कहा हमने सब कुछ किया, पर बाबा उसका कोई असर नहीं हुआ। सुजाता आज भी अपने पति को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है, बल्कि वो तो अंकुर को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। और अंकुर भी, वो भी अपने बच्चे की वजह से सुजाता को छोड़ नहीं पा रहा है। बाबा प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कैसे भी करके अंकुर से शादी करनी है। हम जानते हैं हमने अपनी रूहानी ताकतों को काम पे लगाया हुआ है, लेकिन वो जो औरत है वो कोई मामूली औरत नहीं है। उसके आसपास शैतानी शक्तियों का पहरा है, इसीलिए तो हमारा तंत्र मंत्र नहीं चल रहा। शायद वो जानती है कि तुम क्या चाहती हो। हाँ बाबा, वो जानती है हमारे बारे में। वो तो ये भी जानती है कि अंकुर अब उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो जिद में आ गई है। जिंदगी है तो जिद है, जिंदगी खत्म तो सब खत्म। 75,000 में तुम्हारा काम हो सकता है, उसको मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती, और सबको लगेगा वो अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ के चली गई। माया भली भांति जानती थी कि बाबा सुलेमान सुजाता को जान से मारने की बात कर रहा था, लेकिन अंकुर को अपना बनाने की अंधी चाहत में उसने इस जुर्म के लिए हामी भर दी। ठीक है बाबा, आपको जो करना है कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी पोस्ट पर काम करती हो, और इस ढोंगी के झांसे में आ गई, इस पर विश्वास कर बैठी जो खुद फटेहाल है। जो आदमी अपनी हालत नहीं बदल सकता, वो भला तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगा? कैसे सोच लिया तुमने कि तुम हत्या को आत्महत्या साबित करने में कामयाब हो जाओगी? हम अंकुर को दिल से चाहते हैं, और अंकुर हमें दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन सुजाता के रहते ये सब मुमकिन नहीं था। तुम्हारी इस बेवकूफी भरी जिद ने, अंधी दीवानगी ने, बेवकूफी भरी चाहत ने आज तुम्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया है, मुजरिम बना दिया है तुम्हें। माया के साथ अंकुर भी शामिल है इस जुर्म में। अवधेश, मैं मानता हूं तुम्हारी बात शुरू से ही सही थी। तुम्हारी कोशिशों की वजह से ही यह केस आत्महत्या का केस बनकर क्लोज नहीं हुआ, पर अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अंकुर का इस केस में कोई हाथ नहीं है, सारा प्लान माया ने ही बनाया था। इस केस में जुड़े सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अभिनय का चाचा नंद किशोर भी ज्यादा देर तक पुलिस से छिप नहीं सका, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हाँ अवधेश, अंकुर भी कसूरवार है। वो तुम्हारी बहन के साथ बेवफाई कर रहा था, उसके इस अफेयर ने माया में चाह जगाई उसे पाने की, और माया ने साजिश रची तुम्हारी बहन को मारने की। लेकिन अवधेश, तुम्हारी बहन भी माया की तरह जादू टोने और बाबाओं की बातों में आ गई थी। वो भी माया को अंकुर से दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और उसकी यही जिद उसकी मौत का कारण था। क्यों किया ये सब? आपके लिए अंकुर, हमें जरूरत थी आपकी। जरूरत? जरूरत तो हमारे बेटे को उसकी मां की भी थी। हम सुजाता से नाराज थे, नफरत नहीं करते थे उससे,
और हम दोनों तो एक साथ थे ना, फिर क्यों किया ये सब? आपके पास तो सब कुछ था, घर परिवार, हमारे पास क्या था? सिर्फ आप। कभी हमारी फीलिंग्स के बारे में सोचा? हर वक्त डर लगा रहता था कि आप हमें छोड़ देंगे, डर लगा रहता था कि हम आपको खो देंगे। खो ही दिया ना, हमारे बेटे ने उसकी माँ को, हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक, इनसे कभी कोई फायदा नहीं होता। इनसे सिर्फ उन ढोंगियों का फायदा होता है जिन्होंने लोगों की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें ठगना अपना पेशा बना लिया है। माया की यह सरासर बेवकूफी थी कि उसने सोचा कि बाबा का जादू टोना अंकुर को सुजाता से अलग कर देगा, और ठीक यही बेवकूफी सुजाता ने भी की, और नतीजा अंधविश्वास ने सुजाता को मौत के मुंह में धकेल दिया और माया को सलाखों के पीछे। आकर्षण हो या हवस या फिर सच्चा प्यार, अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत ये जज्बात किसी गैर मर्द या औरत के लिए महसूस करते हैं और अवैध संबंध बनाते हैं, तब एक लकीर टूटती है जो शादी की बुनियाद है, और वो है विश्वास। ये हम सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर लॉजिकल नजरिए से भी देखा जाए तो यही सामने आता है कि जो दो लोग शादी में कमिटेड हैं, अगर उनमें से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो दूसरा अकेला रह जाता है, उसके जज्बात को चोट पहुंचती है। जब ये चोट, ये दर्द मिले तो क्या किया जाए? ना इस दर्द को सहना आसान है और ना ही भुलाना। अगर इसे काबू में करने की बजाय सींचा जाए तो ये सिर्फ तबाही लेकर आता है, और फिर क्या होता है? जिस इंसान ने दर्द दिया है उसे दर्द देने की कोशिश एक बार फिर किसी के जज्बात को चोट पहुंचाती है जिससे वो खुद कभी जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में क्या किया जाए? जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई फिलोसफिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल उपाय है, क्योंकि क्राइम एक खाई है, कोई रास्ता नहीं। क्राइम से कुछ हासिल नहीं होता है, क्राइम नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में अगले शुक्रवार रात 10:30 बजे एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.